हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, आपको मेरे चेहरे देख के पता लग गया होगा कि मैं आज उतना भी ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इसका कारण भी है, इसका कारण मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, पहले दिखाती हूँ। चलिए, अवनीश क्या कर रहा है गाइस? ये देखो, ये बच्चा इतना शरारती करता है, पूरे बिस्तर का हाल क्या क्या है उसने देख के। ये अवनीश इसके साथ खेलता है, ये हमारे फ्लैट में रहती है, और अभी देखिए हालत क्या क्या है इसने। ऐसा ही होता है, सब खिलौना यहाँ पे छोड़ के ये चला जाता है बाकी खिलौना निकालने। देखो कितना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात कर रहा है। धीरे बोलो, कीप ऑल द टॉयज। यस, तो ऐसा ही होता है हमारे घर में शाम के टाइम। अभी मैं अवनीश को थोड़ा दूध पिलाऊंगी, दूध पिलाने के बाद मैं बैठूंगी उसको लेकर पढ़ाने। और मैं क्या पढ़ाने बैठूँ उसको, उसके पापा के साथ ही पढ़ना अच्छा लगता है। जब भी वो ऑफिस से आ जाते हैं ना, तब उसके साथ उनके साथ बैठ जाता है पढ़ने, और मेरे साथ पढ़ने में थोड़ा डरता है क्योंकि मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। इस वजह से वो अपने पापा का इंतज़ार ही करता है। जब भी वो आते हैं तभी उनके साथ पढ़ने बैठता है। तो अवनीश को मैं दूध पिलाने वाली थी, लेकिन फ्रिज में दूध नहीं है, तो क्या करें। अभी तो 7:30 बजने वाला है, इस वजह से मैं अभी अवनीश को मैगी दूंगी। पता है मैगी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें, आज दूध नहीं है घर पे, जब वो आएंगे तभी लेकर आएंगे। तो फिलहाल मैं इसको मैगी खिला देती हूँ, क्योंकि पढ़ना भी है ना, पढ़ने का टाइम जा रहा है, स्टडी का टाइम जा रहा है, तो इससे बेहतर है कुछ खाए और पढ़ने बैठ जाए। तो ये मैगी बन रहा है, अवनीश को मैं बॉयल ही दूंगी। मैगी में फ्राई करके, वो चटपटा मैगी नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसको मैं देती ही नहीं हूँ, आज दूध नहीं है इस वजह से मुझे देना पड़ रहा है मैगी, लेकिन मैं उसको बॉयल करके ही दूंगी। तो कुछ देर बाद ये बॉयल हो जाएगा, फिर उसको खिलाने जाऊँगी, और उसके बाद पढ़ना भी है ना, 7:30 बजने वाला है, अभी स्टडी नहीं करेगा तो कब बैठेगा। तो हर रोज मैं अवनीश को दूध के साथ पीडियाश्योर देती हूँ, लेकिन आज दूध नहीं है तो कैसे पीडियाश्योर पिलाए, इसलिए मैं आज उसको मैगी खिला रही हूँ। देखो गाइस, देखो मैगी ठंडा भी नहीं होने दे रहा है, इसको खाना है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पसंद है मैगी खाना, इसको इतना ज्यादा पसंद है, और मैं तो देती नहीं हूँ, और आज अचानक से मिल रहा है तो देखिए क्या कर रहा है, गर्मा गर्म खाना चाहता है इसकी। है मैगी तो हमेशा ही टेस्टी लगता है इसको। ये क्या हो गया मुंह में? ये कंप्लीट करने के बाद स्टडी करना है, ओके? होमवर्क कंप्लीट करना है। तो ये अवनीश का इंग्लिश कॉपी है, जिसमें होमवर्क दिया गया है एफ लिखने का, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ लिखने के लिए बोला गया है। तो ये देखिए मैम ने होमवर्क दिया है, तो अभी ये अवनीश कंप्लीट करेगा। ये होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बहुत टाइम लगाता है, स्लोली लिखता है, और बीच बीच में चला जाता है पापा के पास, पापा के साथ खेलने, फिर आता है, फिर कंप्लीट करता है। मतलब एक होमवर्क में ही टाइम चला जाता है, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई टाइम ही नहीं रहता है मेरे पास। तो गाइस, कल रात का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा बिजी हो गई थी, तो सुबह से शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो सुबह सुबह अवनीश को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया है, और सुबह इतना ज़्यादा काम रहता है, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और आपके पति ऑफिस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा काम होता है, आप लोगों को तो पता होगा। तो फिलहाल मैंने आज अवनीश को ये टिफ़िन में दिया है, वेफी दिया है मैंने आज उसको, क्योंकि कुछ बनाने का टाइम ही नहीं बचा था। वो अवनीश आज उठा है सुबह 9 बजे। तो ये देखिए मेरे पति आज क्या लाए हैं, ये है उड़िया स्पेशल एक मिठाई, जिसको बोलते हैं छेनी बड़ा, तो ये हम खाएंगे। और साथ में लाए हैं पनीर, जो अवनीश को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज है हमारा वेज, तो इसलिए आज घर पे पनीर बनेगा, तो पनीर को पहले पीस कर लेती हूँ। तो ये पनीर थोड़ा ज़्यादा लाए हैं, इसलिए कुछ पनीर मैं रख दूँगी कल के लिए। तो हमारे यहाँ का पनीर सॉफ्ट नहीं रहता है, इसलिए मैं पनीर को अभी सॉफ्ट बनाऊँगी। तो मैंने देखिए गर्म पानी बिठाया है, उसमें थोड़ा नमक डाली है, अभी मैं पनीर को डालूँगी। थोड़ा उबाल आने के बाद पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यही टेक्निक मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं पनीर बनाती हूँ, इससे पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो गाइस, पनीर का ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने
ये पनीर का रेसिपी नहीं दिखाया है आप लोगों को। तो गाइज मेरा खाना पकाना हो गया है, मैं जल्दी जल्दी खाना पकाया है क्योंकि टाइम हो रहा है अवनीश को लाने का। और मैंने आज क्या पकाया है आप लोगों को आके मैं दिखाती हूँ, पहले चलिए अवनीश को लेकर आते हैं स्कूल से। बहुत लेट हो गया गाइज, पता नहीं क्या कर रहा है अवनीश, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। 1:30 को छुट्टी हो जाता है लेकिन अभी 1:25 होने लगा है, मुझे जाते जाते तो एटलीस्ट 7 मिनट तो लग जाता है। तो जल्दी जल्दी जा रही हूँ मैं स्कूल, फिर घर आने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या पकाया है खाने पे। तो फाइनली अवनीश के स्कूल आ गए हैं हम, बहुत थक गई हूँ मैं, अभी स्कूल से लेकर जाना है अवनीश को। ये आ गया हमारा अवनीश स्कूल से, हाथ में देखिए चिप्स है, कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा भाग भाग के गई थी मैं। और फाइनली ये सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे थकान होती है, पता नहीं क्यों, एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने में थक जाती हूँ। तो गाइस ये मैंने मसाला पनीर बनाई है जो कि मगज और काजू के साथ मैंने ये ग्रेवी बनाई थी, और इसमें कैप्सिकम भी डाली है, आलू भी डाली है क्योंकि आलू अवनीश को पसंद है ना, तो इसलिए आलू मुझे डालना पड़ा। और पनीर के साथ ये थोड़ा सा ग्रेवी बनाई है जो अभी मैं अवनीश को खिलाऊंगी। अवनीश देख रहा है, अवनीश का फेवरेट है पनीर। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं आज अपसेट हूँ क्योंकि इसका कारण भी है, मेरे जो चाचा जी है मतलब मेरे पापा के सगे भाई है, उनका एक माइनर स्ट्रोक हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही तकलीफ हो रहा है, उनको लेकर एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तो आज मैंने कॉल करके पूछा है कि कैसा है तबीयत, तो उन लोगों ने कहा कि अभी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा बेटर है। मैं इतना दूर रहती हूँ कि पॉसिबल भी नहीं होता है कि उनको जाकर देखूँ, फिर भी मैंने फोन किया है, वीडियो कॉल किया है, देखा है उनको, अभी थोड़ा बेटर है। तो इसी बात को लेकर मैं थोड़ा अपसेट हूँ गाइस, इसलिए मैंने कहा है कि आज मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं ये फिर खत्म कर देती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आते हैं बहुत ही जल्द, बाय बाय।